अमेरिका और इंडिया को क्या हम इस तरह कंपेयर कर सकते हैं जहां कंप्लीट लॉकडाउन जब हमने लगाया था और बिना किसी तैयारी के लगाया था तो क्या दुर्दशा हुई थी हमने देखा था सड़कों पर। अभी क्या कंप्लीट लॉकडाउन लगाने से पहले कुछ तैयारियां करनी जरूरी नहीं होंगी? गौरव जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछली बार को जो हमने लॉकडाउन लगाया था तो हमने ये नहीं सोचा था कि 1600 किलोमीटर तक एक भारी जनसमूह माइग्रेट करेगा। तो समस्या का समाधान अगर एक का हुआ तो दो समस्याएं अपने आप खड़ी हो गई, और क्योंकि हमने बिना पूरी प्लानिंग करके वो लॉकडाउन किया था। इस बार अगर लॉकडाउन करते हैं उसके लाभ भी हैं और हानियां भी हैं, लेकिन उनको सबको दृष्टिगत रखते हुए पहले प्लानिंग कर लें। इस तरीके का ना हो कि मास माइग्रेशन शुरू हो जाए महाराष्ट्र गुजरात से बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ, हरियाणा से बिहार शुरू की तरफ। सर आप देखिए मुंबई से या बड़े शहरों से पिछले लगभग एक महीने से जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वो बहुत भरी हुई जा रही हैं और जो उधर से ट्रेनें आ रही हैं बिल्कुल खाली आ रही हैं। वो एक हिसाब से पूरा हो ही रहा है। दवा और एसेंशियल सप्लाईज की जो कमी है, चोर बाजारी है, इसके ऊपर ध्यान दें। इससे बेहतर एक सजेशन मेरा रहेगा कि जहां पर संक्रमण ज़्यादा है वहां पर टोटल लॉकडाउन लगा दें। जैसे मसलन अगर उत्तर प्रदेश में 6 जिलों में है तो 6 जिलों में टोटल लॉकडाउन लगा दें और अन्य जगह पर आंशिक लॉकडाउन, जिससे कि ये चेन तोड़ने में कामयाबी। मैं जरा यूपी का भी हाल जान लेता हूँ। देखिए यूपी से आज खबर आई कि जो वीकेंड लॉकडाउन है वो 2 दिन और बढ़ा दिया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।